केंद्र सरकार ने 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना लगातार नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीजीपी सक्सेना 2 दिवसीय दौरे पर बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने लांजी क्षेत्र की सीमा पर स्थित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ट्राइजक्शन सीमा में स्थित मुरकुटडोह ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का भ्रमण किया। इस कैंप में महाराष्ट्र पुलिस की C-60 फोर्स, छत्तीसगढ़ की DRG फोर्स और मध्य प्रदेश की हाक फोर्स तैनात है। इस कैंप का निर्माण अबूझमाड़ से आने वाले नक्सलियों को रोकने के लिए किया गया है। DGP सक्सेना ने रात्रि में यहां पर पहुंचते ही संयुक्त अभियानों की समीक्षा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। इसके बाद DGP ने बालाघाट जिले में स्थापित हाक फोर्स कैंप पितकोना, डाबरी, सोनगुड्डा, डोरा एवं CRPF कैंप बिटली का औचक भ्रमण किया। बताया गया कि कैंप में पहुंचने पर DGP को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अपना परिचय देना पड़ा और जब तक पासवर्ड नहीं दिया तब तक उन्हें कैंप में प्रवेश नहीं मिला। DGP सक्सेना ने यहां पर जवानों से सर्चिंग, एरिया डोमिनेशन और इंट बेस्ड ऑपरेशन की समीक्षा कर अभियानों में गति लाने के निर्देश दिए। 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे DGP सुधीर सक्सेना ने आज सोमवार को CRPF DG के साथ नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर आगे की रणनीति के लिए अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में IB और CRPF के विरुद्ध अधिकारियों के साथ IG बालाघाट, DIG नक्सल विरोधी अभियान, DIG बालाघाट रेंज, कलेक्टर बालाघाट, SP मंडला, डिंडोरी एवं बालाघाट सहित कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर DFO के अलावा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विशेष रूप से गोंदिया, खैरागढ़, कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में सामूहिक रणनीति बनाकर नक्सलवाद के खात्मे हेतु विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 20 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, जिन पर कुल 3.31 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा 85 लाख के इनामी 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 8 महीने की बात करें तो राज्य के भीतर 3 नक्सली मुठभेड़ हुई, जिनमें 4 नक्सली मारे गए हैं और 1 महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा आज विधायक बालाघाट अनुभा मुजारे को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने विधायक से कहा कि इस मामले में प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रयास किए जाए और SP बालाघाट के माध्यम से जिले भर के थानों में कानून व्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश जारी करे। प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी जीतू पटवारी जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक गण हैं, जितने भी सांसद गण हैं, उनको आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करने के लिए हम सबको यहाँ पर उन्होंने भेजा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न और बच्चियों के बलात्कार में नंबर 1 पे होते जा रहा है, तो हमारे विधायक गण सड़क से लेके संसद तक, सड़क से लेके विधानसभा तक इस मुहिम को इस ताकत के साथ आवाज़ उठाएं कि शासन और प्रशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए, क्योंकि यह जो बच्चियां हैं, ये माता रानी का स्वरूप हैं। इनके साथ अगर बलात्कार होगा तो पूरे विश्व में शर्मनाक जैसी घटना जो घट रही है, इसमें मध्य प्रदेश का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो हमने आज ज्ञापन के माध्यम से श्रीमती अनुभा मंजारी जी, जो कि विधायक हैं हमारी बालाघाट की, उनसे निवेदन किया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बालाघाट में खासकर SP के माध्यम से आप उनको निर्देशित करें, आप उनसे बताएँ कि बालाघाट में भी इस प्रकार से कोई घटना न घटे। विधायक अनुभा मुजारे ने बताया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के शासनकाल में लगातार बालिकाओं और महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही है। यहां तक कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या होना आम बात हो गई है। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं का जीवन संकट में पड़ गया है। महिला अत्याचार में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 में पहुँच गया है, जिससे समस्त प्रदेशवासियों का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी के इस ज्ञापन पर अधिकारियों से जल्द ही बात की जाएगी, साथ में मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चर्चा की जाएगी। और अब तो अति हो गई है, अब सड़कों पर भी महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगा है खुलेआम, जिसका जीता जागता उदाहरण है उज्जैन
मैं जहाँ पे अभी एक शर्मनाक स्थिति निर्मित हुई जिससे हम सबका सिर जो है शर्म से झुक गया। तो महिलाओं को की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए और किसी तरह के उनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार ना हो, बलात्कार की घटनाओं पे तत्काल रोक लगे, इस आशय को लेकर हमारे कांग्रेस परिवार के हमारे माननीय अध्यक्ष गणों ने और पदाधिकारी भाई बहनों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है और मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस परिवार को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आम जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ आपने मुझे ज्ञापन सौंपा है, मैं पूरी निष्ठा के साथ महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोक लगे इसके लिए मैं सड़क पे भी लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और सदन में भी विधानसभा का जो आगामी शीतकालीन सत्र होगा उसमें भी पूरी पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाऊंगी। ग्राम पंचायत भमोड़ी में चारागाह की जमीन को बिना किसी सहमति के गौ अभयारण्य के लिए आवंटित किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में इसे लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसे लेकर कलेक्टर बालाघाट के निर्देश पर उन्हें तहसील कार्यालय बालाघाट से पेशी मिली है। इसी को लेकर आज वे ग्रामीणों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच के इस फैसले से कई ग्रामीण परेशान है। गांव में वैसे भी मवेशियों के लिए चारागाह की जमीन नहीं बची है, ऐसे में पशुपालक अपने मवेशियों का कैसे संरक्षण करेंगे। हमने पिछली मरतबा चार जगह आवेदन दिए थे, कलेक्टर महोदय में, जनसुनवाई में, SDM साहब के यहाँ, जिला CO मैडम, जनपद CO सर मैडम और तहसीलदार महोदय। तो तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमें एक पत्र मिला कि आज 14/10/2024 को पेशी है और जिसमें विशेष रूप से ग्राम में मुनादी के माध्यम से भी सभी लोगों को जानकारी मिली और इस संबंध में हम लोग यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि यह जो गौ अभ्यारण्य वाले जो इनकी स्कीम है यह नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत में, न इन्होंने किसी को जानकारी दी। सरपंच सचिव ने अपने मन मर्जी से और अन्य लोगों के साठगांठ के अनुसार इन्होंने अपने प्रस्ताव देकर अपना पारित कर लिए प्रस्ताव। इसी को लेकर उन्होंने प्रशासन को इस जमीन आवंटन की प्रक्रिया को रद्द किए जाने की मांग की है। चूंकि यह मामला अब तहसील कार्यालय बालाघाट में पहुंच गया है जहां से सरपंच के द्वारा लिए गए फैसले पर निर्णय होना है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सरपंच के द्वारा आपसी साठगांठ से पंचायत प्रतिनिधियों की सहमति के बगैर यह निर्णय लिया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे। हमारे को दिक्कत सर, देखो हमारे भी दो चार जानवर हैं, फिर है तो गरीब आदमी लकड़ी फाटा के लिए कहाँ जाएंगे, ऐसे भी मलमा बेच के खाई कर दिए हैं, कोई जाने की व्यवस्था कुछ नहीं है और जिधर उधर नदी नाला है, गांव हमारा दलखा है, पानी भर जाता है पूरा आसपास, जाने की दिक्कत हो जाती है बस्ती में जाने के लिए। सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी कटंगी के द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 17 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशांत भाऊ मेश्राम ने जिलेवासियों से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है। और इस बार कार्यक्रम की तो भव्यता अपने आप में है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश आ रहा है। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि बालाघाट जिले के छोटी सी कटंगी तहसील में बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश आ रहा है। तो मेरे पूरे ज़िले के लोगों से अपील है, सभी सामाजिक बंधुओं से भी अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश के दर्शन करें और वैचारिक रूप से भी लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, आप उन्हें भी सुने, ऐसा हम अपील करते हैं। और वहाँ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाता है, भोजन दान भी भव्य रहता है और साथ ही साथ जो भी बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्यक्रम करते हैं उन बच्चों को सम्मानित से पुरस्कृत भी किया जाता है।